हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे के पार्ट टू का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह एक 10th क्लास की बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है। अब उसके पीछे पूरा ही क्लास लग जाता है। अब वो उन बच्चों से कैसे बचती है, यह सब आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसे शानदार कहानियां टाइम से मिलती रहें। कहानी वहां से शुरू होती है जहां से पार्ट वन का एंड हुआ था। हम देखते हैं फा मेक को घर पर बुला लेती है और उसे बातों बातों में ये भी बता देती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। उसकी ये बात सुनकर मेक शॉक हो जाता है और उसे देखने लगता है। ये देखकर फा कहती है कि अरे तुम इतने घबरा क्यों गए, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वैसे फ्यूचर में तो वो प्रेग्नेंट होगी ही, तो क्या तब भी उसकी फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। जिस पर मेक कहता है तब का तो नहीं पता है, लेकिन अभी तो मेरी माँ ये बात अगर सुन भी ले तो मुझे घर से भगा देंगी। उसके मुँह से निकली ये बात सुनकर फा बाहर से तो मुस्कुरा रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर रो रही होती है, क्योंकि मेक से उसने अभी जो ये बातें झूठी कही थी, असल में फा की लाइफ में ये बातें तो हकीकत बनने वाली हैं। अब मेक और फा थोड़ी बहुत बात करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे मोमेंट को जीते हैं। अब मेक यहाँ से चला जाता है। अगले दिन फा स्कूल जाती है, जहाँ पर बच्चों को स्टूडेंट के प्रेगनेंसी के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो इसी से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं। यानी कि उन्हें पता लग गया था कि कोई स्टूडेंट ऐसी है जो कि अभी प्रेग्नेंट है, और उन लोगों की ये बात सुनकर फा और भी डर जाती है। डरते हुए वो स्कूल जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि मोड रो रही है। सारे बच्चे उसका मजाक बना रहे हैं, स्पेशली लड़के तो कुछ ज्यादा ही। सब लोग कह रहे होते हैं कि तुम स्कूल में पढ़ने आती हो या फिर माँ बनने, ये कहकर उसे बुली करने लगते हैं। मोड ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती, रोते हुए जाने लगती है। जब ही फा उसके पीछे जाती है, वो खुद के लिए उससे सॉरी बोलती है और मोड से कहती है कि तुम्हें डर कैसा है जब तुम प्रेग्नेंट हो ही नहीं। जिस पर मोड रोते वे कहती है कि हमें किसी को सच्चाई बताने की जरूरत नहीं है, आगे चलकर सबको ये झूठ का पता लग ही जाएगा। ये कहकर फा के पास से वो चली जाती है। फा उसे जाता हुआ देखकर रोने लगती है। अब फा क्लास में जाती है, जहां पर फा को भी वो बच्चे बुली करने लगते हैं, कहते हैं कि इसकी फ्रेंड कितनी घटिया है। ये सारी बात सुनकर फा रो पड़ती है, क्लास से बाहर आ जाती है, जहाँ पर मेक उसे मिलता है और फा से पूछता है कि मोट कैसे प्रेग्नेंट हो गई। जिस पर फा कह देती है कि ये फेक न्यूज है, जाने किसने स्कूल में फैला दिया है, और मोट बेचारी रोते हुए स्कूल से चली गई है। ये कहकर वो मेक के पास से चली जाती है। अब फा घर आकर मोट को जाने कितने कॉल और मैसेज करती है, लेकिन मोट रिसीव नहीं करती। ऐसे ही काफी वक्त गुजर जाता है, लेकिन अभी तक इन लोगों में कोई भी बात नहीं हुई थी और एग्जाम डे भी आ गया था। फा एग्जाम देने जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि मोड उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही है। ये देखकर उसे रोना आ जाता है। अब ऐसे रोते गाते वो एग्जाम को देती है, फिर अपने घर आ जाती है, जहाँ पर वो अपनी बेली देखती है और फिर अपने बेबी को थपकी देती है। अब वो बेड पर लेटकर सुकून की सांस लेती है, लेकिन मन में उसके शांति नहीं होती। अगले दिन इसी टेंशन में वो स्कूल जाती है, जहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर फौरन ही मेक उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और ठीक होने के बाद फा के घर लेकर आता है, जहाँ पर फा के फादर होते हैं। अब फा अपने फादर से कहती है कि स्कूल में उसकी तबीयत अचानक ही खराब हो गई, तब उसके क्लासमेट मेक ने उसका साथ दिया। जिस बात को सुनकर फा के फादर मेक को शुक्रिया कहते हैं और उसे चाय पर भी इनवाइट करते हैं, लेकिन मेक रुकता नहीं, फौरन ही चला जाता है। खैर, अब घर आकर फा बहुत सारा फ्रूट खाती है, तभी उसकी माँ उसके पास आती है और फा से पूछने लगती है कि उसे कौन सी ऐसी टेंशन है जिसके वजह से आजकल वो खोई खोई सी रहने लगी है, ना ही हंसती है और ना ही बात करती है, उसमें से अचानक ये बचपना कैसे चला गया। फा अपने माँ की ये सारी बातें तो सुनती है, लेकिन बोलती कुछ भी नहीं है, बस बातों को दूसरी तरफ मोड़ देती है। तभी फा के फादर भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि
अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। डॉक्टर का नाम सुनते ही फा काफी डर जाती है और फौरन ही बोलती है कि उसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब फा के फादर कहते हैं कि वो बिजनेस से रिलेटेड एब्रॉड जाने वाले हैं। फा की माँ भी उनके साथ जाएंगी। ऐसे में 6 महीने तक फा को अकेले ही रहना पड़ेगा, जिस पर फा काफी खुश हो जाती है क्योंकि 3 महीने की प्रेगनेंसी गुजर चुकी होती है। अब 6 महीने ही बच्चा होता है। अब वो सोचने लगती है कि बेबी बॉर्न होने तक उसके पेरेंट्स को ये चीज की खबर नहीं लगेगी, इसलिए वो अपने फादर से कहती है कि ठीक है, आप लोग एब्रॉड जाएंगे और मैं बाहर घूमने के लिए चली जाऊंगी, जिस पर उसके पेरेंट्स राजी नहीं होते, लेकिन बहुत जिद और सिफारिश के बाद वो राजी हो जाते हैं। अब अगली सुबह उसके पेरेंट्स एब्रॉड के लिए निकलते हैं और फा भी घूमने के लिए निकल जाती है। एयरपोर्ट पे बैठी होती है कि तभी मेक की कॉल आती है। फा उसकी कॉल को रिसीव करती है, तब वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बिल्कुल ही सामने खड़ा हूँ, लेकिन तुम्हारे घर में कोई भी नहीं है, जिस पर फा कह देती है कि वो बैंकॉक जा रही है और उसके पेरेंट्स एब्रॉड जा रहे हैं, इसीलिए घर पर कोई नहीं है और इस वक्त फा एयरपोर्ट पे है। ये बात सुनकर मेक फौरन एयरपोर्ट की तरफ आता है, लेकिन तब तक इन लोगों की प्लेन जा चुकी थी। अब हमें फा को दिखाया जाता है जो कि एक टैक्सी में होती है। तब टैक्सी ड्राइवर उससे अकेले होने की वजह पूछता है, जिस पर वो कह देती है कि वो अकेले ही घूमने के लिए आई है। यह सुनकर टैक्सी ड्राइवर उसका रेव करने लगता है। फा बड़ी मुश्किलों से कार से बाहर निकलती है, तब उसे एक आदमी नजर आता है जो उस टैक्सी ड्राइवर से फा को बचाता है, फिर अपने साथ बिठाकर पूरे ही शहर में घुमाता है जहाँ पर फा को ठहरने के लिए कोई अच्छा होटल मिल सके। काफी देर तलाश के बाद एक अच्छा होटल मिल जाता है। अब वो आदमी फा से कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, और फा भी उसे अपनी मदद के लिए शुक्रिया कहती है। अब वो रूम के लिए मैडम से बात करती है, लेकिन रेंट बहुत ज्यादा होता है। यह सुनकर फा काफी घबरा जाती है। तब मैम कहती है कि अगर वो एक लड़की के साथ रूम को शेयर करे तब रेंट कम हो जाएगा। उसकी ये बात फा को काफी अच्छी लगती है, लेकिन वो डर रही होती है कि क्या पता रूममेट अच्छी हो या फिर बुरी, इसलिए वो चेक करने के लिए जाती है, जहाँ पर वो रूममेट को देखती है जो कि बहुत ही अजीब होती है। अब उसे बात करने की वो कोशिश करती है, लेकिन वो बात नहीं करती क्योंकि बिल्कुल ही वो गुंडी टाइप की होती है। उसके कई सारी गलत हरकतों को फा देख लेती है। तब वो लेडी डॉन फा का गला दबा कर कहती है कि अंदर की बात अगर बाहर गई तब मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी। इस डर के वजह से फा को अब इस रूम में शिफ्ट होना पड़ता है। हर रोज वो फा को बहुत ज्यादा तंग करती है, कभी सिगरेट पीती है तो कभी तेज म्यूजिक लगाकर उसे बहुत ही तंग करती है। जैसे तैसे करके फा अपना गुजारा कर रही होती है। अब एक सुबह फा हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर शर्माते हुए नर्स को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर नर्स फा को काफी हिम्मत देती है और कहती है कि उसे शर्माने की जरूरत नहीं है। अब फा का चेकअप होता है, जिसमें ये बात पता चलती है कि बच्चा बहुत ही हेल्दी है। यह सुनकर फा भी बहुत हैप्पी होती है। अब बहुत सारी दवाइयाँ लेकर फा अगेन अपने रूम पर आती है। तब वो लेडी डॉन पूछती है कि ये कैसी दवाएं हैं, लेकिन फा इस बात को छिपा लेती है। कहती है कि सर दर्द की दवा है, डॉक्टर ने फा को रेस्ट करने के लिए बोला होता है। फा जब रूम में सोने के लिए जाती है, तब लेडी डॉन कुछ लोगों को बुलाकर डांस पार्टी करने लगती है, जो कि फा को बहुत तकलीफ देती है। फा कई बार रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात को कोई भी नहीं सुनता। इसी बेचैनी में फा की सुबह होती है। फा घूमने के लिए बाहर निकल जाती है। अब शाम को जब आती है, तब घर में लेडी डॉन ने सिगरेट के धुएं से पूरे ही रूम को भरा होता है, जिस वजह से फा को खांसी होने लगती है। वो भागते हुए अपने रूम में जाती है, लेकिन लेडी डॉन उसके रूम में भी आ जाती है और फा के फेस पर सिगरेट का धुआं मार देती है, जिससे फा की बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। वो बेचैनी में बाथरूम में चली जाती है और दरवाजे को बंद करके रोने लगती है। इस बीच लगातार फा को खांसी हुए जा रही थी, जिस वजह से उसकी जान ही निकल रही होती है। तभी लेडी डॉन बाथरूम के दरवाजे के नीचे से
एक जलते हुए सिगरेट को फेंक देती है। इस तरह पूरे बाथरूम में धुआं ही धुआं हो जाता है। फा बड़ी मुश्किल से टॉवल लेकर दरवाजे के उस नीचे वाले स्पेस को बंद करती है, लेकिन बाथरूम में धुआं इतना ज्यादा होता है कि वो निकल ही नहीं पा रहा होता, जिस वजह से फा की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो एक कोने में बैठकर खांसी करते हुए रोते जा रही थी और कह रही होती है कि अब उसे घर जाना है। फा इतना रोती और खांसी करती है कि वो बेहोश हो जाती है और यहीं इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब अगले पार्ट में हमें इसके आगे की कहानी का पता चलेगा, जो कि जल्द ही हमारे इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।